बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों पूरा सोल्यूशन फुल सोल्यूशन दोस्तों सामान्य हिंदी का लेकर आ गए हैं 16 फरवरी का दोस्तों 2023 का। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कोड नंबर दोस्तों 302 ZK है। मेरे प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा इसको अच्छे से। आप सबको दोस्तों हम बता दें इसमें दोस्तों 100 नंबर का पूर्णांक था और दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसके लिए दोस्तों दिया गया था आप सबको। दोस्तों इसको कैसे आप सब किए हैं दोस्तों, आपसे मैच कराएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप सब मैच करा के दोस्तों मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा गलत है। चलिए दोस्तों फुल सॉल्यूशन आपको देते हैं, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों आप यहां देखिएगा दोस्तों निर्देश जैसा कि यहां पे दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित था। यही दोस्तों आप सबको यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है वो उसमें बताया गया दोस्तों की आपको 15 मिनट जो दिया गया था दोस्तों प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों बता रहा है यह प्रश्न पत्र दो खंडों में है, दो खंड दोस्तों एक खंड क और ख दो है दोस्तों, ख नीचे है दोस्तों, अभी खंड क का दोस्तों यहां पे दिया गया है। देखिएगा दोनों खंडों के सभी प्रश्न को करना अनिवार्य था दोस्तों, इसमें दोस्तों निर्देश में दिया गया है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करेंगे देर ना करते हुए दोस्तों। यहां देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहले का क दोस्तों हम बात करेंगे, विचार और वितर्क के लेखक हैं दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन आप सब दोस्तों टिक किए थे। इसमें दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने विचार और वितर्क के लेखक हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट आपका ख नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिससे दोस्तों हरिओध के नाम से जानते हैं, की रचना है दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताएगा कि कल्पवृक्ष है या दोस्तों माटी हो गई सोना या दोस्तों आप सबका ठेठ हिंदी का ठाठ और दोस्तों यहाँ पे ठट की सॉरी ये दोस्तों आप सबका ठट की खोज है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जैसे कि आप सबको बता दूं दोस्तों इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये दोस्तों आप सबका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे ग नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ग नंबर क्या है, नीर का निर्माण फिर, ये दोस्तों इसकी रचना की विधा है दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि दोस्तों रचना की विधा क्या है दोस्तों, इसमें बताना होगा आत्मकथा है नाटक है या संस्मरण स्मरण है दोस्तों या फिर निबंध है, ये दोस्तों आप सबको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा आप सब दोस्तों टिक किए हुए हैं दोस्तों। ग का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, ये आत्मकथा है, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका आत्मकथा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका घ नंबर है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है कौन सा है दोस्तों, देखिएगा विचार और प्रहार है या दोस्तों यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृथ्वी पुत्र है दोस्तों, पृथ्वी पृष्ठ है सॉरी दोस्तों पृथ्वी पुत्र है, क्योंकि दोस्तों स्पष्ट दिख नहीं रहा है इसलिए दोस्तों पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये दोस्तों आप सबका हो जाएगा कि दोस्तों इसका दोस्तों थर्ड होगा या फोर्थ होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप सबका घर का दोस्तों जैसे बता दें आपका थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा, टट की दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है ये दोस्तों आप सबका सही हो जाएगा, ठीक है, तब की बात और थी, ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका अंगा है, क्या है दोस्तों, अंगा है हिंदी की प्रथम पत्रिका जिसको दोस्तों उदंत मार्तंड के संपादक दोस्तों यहां पूछा गया है कौन है दोस्तों, बताइएगा इसके संपादक कौन थे दोस्तों, आप सबको बता दें जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा नहीं पता होगा दोस्तों, तो आप सब क्या किया है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, युगल किशोर शुक्ल, ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों इस पेज से आपको स्पष्ट दिखाई देगा, देखिए दोस्तों सेकंड का पहला मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सी रचना है दोस्तों, ये दोस्तों रस कलश है दोस्तों या सिद्धराज है दोस्तों या दोस्तों कामायनी है या लहर है, कौन सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप सब कौन सा टिक करके आए हैं। इसका दोस्तों सेकंड ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या सिद्धराज, सिद्धराज दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ख नंबर, ख नंबर दोस्तों यहाँ कह रहा है प्रगतिवाद के सशक्त कवि है, सशक्त कवि कौन से हैं दोस्तों, बताइएगा राम नरेश त्रिपाठी हैं या दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त हैं या दोस्तों आप सबका तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन या दोस्तों आप सबका डॉक्टर नागेंद्र, दोस्तों कौन से हैं दोस्तों ऑप्शन सही आप टिक करिएगा दोस्तों, आप सबका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा ही नंबर नागार्जुन है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ग नंबर क्या है दोस्तों, मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है दोस्तों, ये इसकी रचयिता कौन है बताइएगा कमेंट करिएगा दोस्तों, ये दोस्तों क्या है त्रिलोचन या दोस्तों रामस्वरूप शर्मा है या दोस्तों हरिवंश राय बच्चन है या दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन, ये दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन, ये दोस्तों आप सबका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन, घ नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे घ नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे दोस्तों अज्ञेय के नाम से जानते हैं, किस संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए, तो दोस्तों आप सबको बता दूं इनके दोस्तों जो दोस्तों संपादन में दोस्तों दूसरा
तीसरा और दोस्तों चौथा दोस्तों क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों इसमें तीन किया गया है, नहीं किया गया है, एक दो तीन, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, टोटल दोस्तों चौथा चार होता है, लेकिन दोस्तों इसने तीन किया था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप सबका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था जरा कमेंट करके बताइएगा, किस पे मिला था दोस्तों, लोकायतन पर मिला था, यह काल और बूढ़ा चांद पर मिला था, या दोस्तों चितंबरा पर, या ग्राम्य पर, किस पे मिला था आप सब कमेंट बॉक्स करके, कमेंट दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चितंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का था आप सबका, दोस्तों हम कंप्लीट करा दिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आप सबको बताएंगे यहाँ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, ये दोस्तों है गद्यांश पर आधारित दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक गद्यांश दिया हुआ था और दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों आप सबका पांच क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा पांच क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है पांच क्वेश्चन है दोस्तों, ईच क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा पांच नंबर के थे। ठीक है दोस्तों टू नंबर के थे, पांच क्वेश्चन थे, टोटल दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर मिलना था। इसका दोस्तों हम आपको सोल्यूशन इसका दोस्तों आप सबको बता दूं कि अथवा करके दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अथवा करके, ये दोस्तों अथवा है, यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसका हम अथवा करके दोस्तों ये सेकंड का आंसर दिया हूँ दोस्तों आप सबको। आपको दोस्तों आखिरी में दोस्तों उसका पीडीएफ में दोस्तों मिल जाएगा, हम अभी बताएंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसलिए दोस्तों उसका आखिरी में बताएंगे। इसको दोस्तों आप सब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको हम यहाँ बताएंगे चौथा दोस्तों आप देखिएगा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दोस्तों आप कह रहा शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त, ये दोस्तों आप दिया है चार लाइन दोस्तों, इसी का दोस्तों बोल रखा है, ये कह रहा है दोस्तों इस पद्यांश का दोस्तों क्या करना है, प्रश्न उत्तर देना है। ठीक है, जो इसमें इससे संबंधित पांच क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोस्तों इसमें देखिएगा अथवा करके भी दिया है, चाहे ये वाला करिएगा या दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है इसको करिएगा दोस्तों। इसका भी दोस्तों आप सबको सोल्यूशन हम आखिरी में दे देंगे दोस्तों, आपको वहां पर मौजूद है, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा दोस्तों आप सबको। दोस्तों हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सब देखिएगा सारे दोस्तों आंसर यहाँ पे लगा के रखे हैं, आप सब परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सबको यहाँ पे हम अच्छे से आप सबको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये दोस्तों आप सबका चौथा नंबर यहाँ पे दोस्तों हो गया। अब दोस्तों हम पांचवें नंबर की बात करेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा नंबर में देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप सबको जैसे कि हम बताए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दोस्तों, अभी दोस्तों मॉर्निंग में बताया था और दोस्तों आप सब यहाँ पे तैयार करके गए होंगे तो काम बन गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों 100% आप सबका काम बन गया होगा, जिन बच्चों ने देखा होगा उनका काम बन गया है दोस्तों 100%, यही दोस्तों हम बता के गए थे। अब दोस्तों आप सब यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनका दोस्तों कृतियों पर प्रकाश डालना था, और दोस्तों यहाँ पे एक कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए दोस्तों उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालना था। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आप सबको दोस्तों यहाँ पे हम सारे दोस्तों पढ़ाए हैं, लेकिन दोस्तों आज सुबह ही सुबह दोस्तों इसको दोस्तों आप सबको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बोले थे आएगा, तो आ गया है दोस्तों। और सब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का था दोस्तों, ये भी दोस्तों आप सबका आ गया है। तो आप सबको दोस्तों कैसा लगा दोस्तों हमारा दोस्तों, जो कि बिल्कुल अभी अभी दोस्तों मॉर्निंग में मैंने आपको दिया था 10 बजे। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहानी का दोस्तों कथा वस्तु की विवेचना दोस्तों, अधिकतम 80 वर्ड में दोस्तों आप सबको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और दोस्तों आखिरी में तो बताएंगे ही बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इसको अच्छे से तैयार करिएगा। सॉरी करेंगे क्या दोस्तों, आप सबका तो हो गया है, इसका दोस्तों हम आपको बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए एकदम याद करा दिए थे। ठीक है, और दोस्तों पंचलाइट और दोस्तों यहाँ पे ध्रुव यात्रा, भाई साहब ये सब आते ही आते हैं, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए दोस्तों कि आप सब समझिए कि ये सब हर वर्ष आते हैं, तो आते ही आते हैं। आप सब तैयार करें होते दोस्तों आप सबका पांच पांच नंबर का दोस्तों काम बन जाता कि नहीं बन जाता। तो दोस्तों आप सबको आई होप कर भी चुके होंगे, आप सब कोई दिक्कत नहीं होगा इसका दोस्तों, अभी हम बताते हैं सबका। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सातवें नंबर का, मेरे प्यारे बच्चों आप सबको सातवें नंबर का आपको हम यहाँ पे बताएंगे दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आप सब दोस्तों देखिएगा, ये आलोक का दोस्तों, ये दोस्तों आप सबको हम अभी बताएंगे आखिरी में दोस्तों, 100% दोस्तों उसको दिए हैं। और दोस्तों अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा दोस्तों वहां पे मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों आपका क नंबर, इसका दोस्तों देखिएगा क नंबर में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है क्या दोस्तों, इसमें कह रहा संस्कृत गद्यांशों को किसी एक का दोस्तों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था,
ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों दो था। तो इसमें दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से मैं यहाँ बता दिए हैं, अथवा करके दोस्तों यहाँ देखिएगा दिया हुआ है, तो कोई एक करना था दोस्तों, बहुत अच्छे से हम आपको इसको बता दिए हैं लास्ट में। ठीक है, अभी बताएंगे दोस्तों सारे का आंसर दोस्तों आप सबको मैनेज करा देंगे। ठीक है, और दोस्तों आप सबका इसका खपाट भी था दोस्तों, इसका भी दोस्तों आप सबको आंसर हम अभी देते हैं। ठीक है, नीचे आप सब बिल्कुल परेशान न होइएगा मेरे पास बच्चों। आप सब देखिएगा नवा नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों नवा नंबर जो है दोस्तों इसमें कह रहा है मुहावरा और लोकोक्तियां में किसी एक का दोस्तों अर्थ लिखकर दोस्तों वाक्य प्रयोग करना था। क्या करके? अर्थ लिखकर दोस्तों वाक्य प्रयोग करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों कर दिए हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा यहां दोस्तों आपको बताएंगे तिल, तिल का तोड़ बनाना, ठीक है ताड़ बनाना, ठीक है तिल का ताड़ बनाना दोस्तों। इसका जैसे कि आप सबको बता दें इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, छोटे को बहुत बड़ा बताना। ठीक है, ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। और दोस्तों वाक्य प्रयोग आप सबको सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लिखने की कोशिश ना करिएगा दोस्तों, आप सबको मिल जाएगा बिल्कुल पीडीएफ इसका दोस्तों, अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देखिएगा इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों क्या होगा। छोटी सी बात को, तिल का ताड़ बनाना का मतलब होता है दोस्तों छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, समझ रहे हो? यानी मोहन ने श्याम से अपनी दोस्तों जो उनकी क्लास की दोस्तों बातें थी उसको क्या किया, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उनसे बताया। ठीक है, ये दोस्तों वाक्य प्रयोग हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, केवल एक करना था दोस्तों, एक यहां पे हम आपको बता दिए। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आप एक और कर सकते हो, बात कुछ भी ना हो और दोस्तों क्या हो, तुमने तिल का ताड़ बना दिया, यानी बात कुछ भी नहीं थी पर तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया, ये दोस्तों आप सब ये भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे दसवां नंबर क्वेश्चन, भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दोस्तों आप सबका क्या है, ये संधि विच्छेद है। मेरे प्यारे बच्चों आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आप सब करके आए हैं दोस्तों। इसमें पहला है महेश्वर, महेश्वर का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, महेश्वर का संधि विच्छेद दोस्तों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा महा प्लस ईश्वर दोस्तों क्या हो जाएगा महेश्वर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेकंड नंबर इसका दोस्तों सेकंड नंबर है उपर्युक्तम, ये दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आप सब किए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखिएगा, आप सबको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों आप सबका इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ब ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऊपरी प्लस उक्तम, ये दोस्तों क्या हो जाएगा उपरोक्तम। ओके, अब नेक्स्ट दोस्तों आप देखिएगा तीसरा पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, पावका का दोस्तों संधि विच्छेद आप सबको बता दे दोस्तों कि आप सबका यहां पे पौ प्लस अक दोस्तों क्या हो जाएगा पावका। ठीक है, तो यह भी दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका दोस्तों कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी ग्यारहवें का ख नंबर देखेंगे दोस्तों, आपका ग्यारहवें का ख नंबर दोस्तों क्या है देखिएगा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार दोस्तों चयन करना है। यहां लिखा है आत्मना, ठीक है आत्मना शब्द का विभक्ति और वचन बताना है। आत्मना का शब्द का दोस्तों विभक्ति और वचन क्या होगा दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप सब कौन सा किए थे। इसका दोस्तों तृतीय विभक्ति होगा और एक वचन होगा। ठीक है, पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हम सेकेंड देखेंगे, सेकेंड क्या है नामने, नामने का दोस्तों शब्द का विभक्ति और वचन बताना है। आप सब कमेंट बॉक्स में करिएगा कि दोस्तों कि आप सब कौन सा ऑप्शन किए थे। इसमें दोस्तों आप सबका चतुर्थी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा, ये दोस्तों स नंबर। ओके, तो आई होप दोस्तों अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सबको हम बताएंगे ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, ये भी दोस्तों क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। दोस्तों देखिएगा इसमें सही अर्थ को आपको चयन करके लिखना है। देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा इसमें दोस्तों पहला है सुत और सूत। अब दोस्तों आप सबको बता दूं, अब दोस्तों सुत का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पुत्र, और जो सूत का मतलब होता है दोस्तों सारथी का होता है। तो दोस्तों आप सबका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा आप सबका दोस्तों, पुत्र और सारथी। ओके, पुत्र और सारथी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका सेकेंड देखिएगा क्वेश्चन, जलद और जलधि, ये दोस्तों आप सबको हम बता भी चुके हैं, बिल्कुल बताए हैं दोस्तों, और इसका दोस्तों आंसर आप यहां देखिएगा इसका दोस्तों जलद, जलद मतलब क्या होता है दोस्तों, जलद मतलब होता है दोस्तों बादल, और जलधि मतलब होता है दोस्तों समुद्र। तो दोस्तों बादल और समुद्र, ये दोस्तों आप सबका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम ख नंबर इसके चलेंगे, ख नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ख नंबर में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिएगा। ये भुजंग है, हार है, पट है, अर्क है, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आप सबको करना है। चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं यहां पे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं यहां पे भुजंग, चलिए हम भुजंग का ही बताते हैं दोस्तों। भुजंग का आप सब लिख सकते हो दोस्तों क्या, सांप लिख सकते हो, सांप लिख सकते हो, ठीक है, और दोस्तों आप सब एक और लिख सकते हो कौन सा, और दोस्तों आप सब लंपट, क्या लंपट, ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों आप सब इस तरह से लिख सकते हो, लंपट हो जाएगा ये सांप का दोस्तों। और दोस्तों अर्क का जैसे कि आप सब यहाँ पे दोस्तों एक ही बोला है, एक तो कर लिया, लेकिन दोस्तों एक और बता देते हैं आप सबको, जिन बच्चों ने अर्क किया है दोस्तों उनको बता दूं, अर्क दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा, और दोस्तों आपका मदार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इसको कैसे करना है, ठीक है। दोनों आपका दोस्तों हम बता दिए, अब दोस्तों हम नेक्स्ट बताएंगे इसका। दोस्तों सारे का पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा, परेशान मत होना मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, बताइए कौन सा है, किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए जरा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका ग ऑप्शन में दोस्तों आप सबको बता दूं, पहला ही ऑप्शन दोस्तों यहां देखिएगा, स इसका सही हो जाएगा। कृतघ्न दोस्तों कहते हैं, जो उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतघ्न, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसका सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, जो बहुत कम बोलता है उसे तो कहते हैं दोस्तों मितभाषी, क्या बोलते हैं, मितभाषी। आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे घ ऑप्शन, घ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको दो वाक्य शुद्ध कैसे करना है देखिएगा। अब देखिएगा यहां पे दोस्तों लिखा है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसका दोस्तों सही शुद्ध करके कैसे लिखेंगे आप सब, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। यहां तो नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो नहीं होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। जो बच्चों ने ऐसा किया है उसका सही हो जाएगा, ठीक है, जो ऐसा किया है दोस्तों उसका सही हो जाएगा, तो काटना था बस। अब उसके बाद दोस्तों देखिएगा इसमें दोस्तों किस क्या दो करना था, एक और देख लीजिएगा कौन सा दोस्तों, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है, अनेक। अब दोस्तों अनेकों नहीं होगा यहां पर दोस्तों, अनेक हो जाएगा, ठीक है, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ओके। ये दोस्तों अनेकों नहीं, अनेक बस होगा, ओके। अब दोस्तों दो कहना करना था, दो कर लिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, इसका दोस्तों देखिएगा करुण रस और शांत रस, इसका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हम आप सबको वहां पे दिए हैं पीडीएफ में, अपना दोस्तों हैंड रिटन दोस्तों आप सब उसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देंगे वहां पे नीचे, बिल्कुल आप सब उसको देख सकते हैं। अनुप्रास दोस्तों, और दोस्तों ये आपका रूपक, ये दोस्तों अभी लेटेस्ट आप सबको वीडियो हम डाले ही थे दोस्तों, आप सबको पढ़ाए थे दोस्तों मेरे बच्चों, कल शाम को दोस्तों 11 बजे अपलोड हुआ था, 10:30-11 बजे दोस्तों, ये दोस्तों आप सब आई होप देखे होंगे दोस्तों, तो आप सबका काम बन गया होगा। और दोस्तों यहां पे देखिएगा ये चौपाई छंद और दोस्तों सोठा, ये भी दोस्तों आप सबको हम पढ़ा दिए थे, ये भी दोस्तों आई होप आप सब देखे होंगे, तो काम बन गया होगा, इसका भी दोस्तों आप सबको हम दे दिए हैं, ठीक है, इसी पीडीएफ में आखिरी में है, ठीक है दोस्तों। और आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा अपने एग्जाम रोड पर दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, या दोस्तों सर्च करिएगा एग्जाम रोड, आपको मिल जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दैनिक पत्र के संपादन के नाम एक पत्र लिखकर अपने शहर में फैली संक्रमण बीमारियों के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, या दोस्तों किसी बैंक में प्रबंधक को व्यवसाय करने हैं तो ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना। दोस्तों मैं इसी को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको दोस्तों इस पीडीएफ में दिए हैं नीचे, आप सब उसको देख लीजिएगा दोस्तों, इसी को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। और दोस्तों यहाँ देखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक का अपनी भाषा शैली में निबंध, भाई साहब कृषक जीवन की, ये दोस्तों हो गया नासदी, और दोस्तों यहाँ पे अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, और महिलाओं का आरक्षण का दोस्तों सार्थकता, ये दोस्तों। अब दोस्तों हम यही आपको अच्छे से बताए हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों इसी पीडीएफ में दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं इन सभी को दोस्तों अच्छे से बताएं दोस्तों। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो था दोस्तों, ये आपका दोस्तों कितने नंबर का था, ये आपका दोस्तों 9 नंबर का था, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों अपनी भाषा शैली में लिखना था, तो ये दोस्तों आप सबका क्या है, टोटल 9 नंबर का था। अब दोस्तों जैसे कि आप सब देखेंगे 5वें का दोस्तों, जैसे कि आप सबका रचना लिखना था, ठीक है दोस्तों, लेखक का दोस्तों क्या था, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का दोस्तों यहाँ पे जीवन दोस्तों परिचय है, ये आप सबको यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। 5वें का क्या है दोस्तों, ये दोस्तों इनकी कृतियाँ भी दोस्तों आप सबको यहाँ पे अच्छे से हम बताए हैं। अब 5वें का हमें दोस्तों कवियों का दोस्तों जीवन परिचय, ये दोस्तों आप सबका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबको बता दें, ये दोस्तों 8वें का ख भी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 15वां नंबर दोस्तों, ये भी दोस्तों आप सबको यहाँ पे बताए हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिए हैं, आप सब इसको मैच करा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिएगा 5वें का ख का दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फर्स्ट पार्ट को आप सब देख लीजिएगा। ये जीवन परिचय किसका दोस्तों, रामदाई सिंह दिनकर जी का, ओके।
अब दोस्तों आप सबको बता दूं, इसको आप सब यदि देख लेते हो दोस्तों, मैच करा लेते हो, तो आप सबको अनुमान लग जाएगा कि कितना नंबर आप सब ला सकते हो। अब दोस्तों आप देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का, दोस्तों यहाँ पर भी आप सबको आंसर मिल जाएगा, जो दोस्तों आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका, ये दोस्तों आप सबका जो आपका पत्र लेखन था दोस्तों बैंक के लिए दोस्तों ऋण के लिए, ये दोस्तों आप सबको यहाँ पे मिल जाएगा। ये दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ हम बना के दे दिए हैं, इसको आप सब देख लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों आप सब यहाँ पे आराम से इसको देख के मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों आप सब सन लिख दीजिएगा 2023, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप अपना दोस्तों परीक्षा क्या है दोस्तों एक्स वाई जेड है, और दोस्तों यहाँ पे ये 10 मार्च नहीं दोस्तों आप सब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, आज 16 था तो 16 लिख देंगे, ठीक है, 16/2023 ये, और दोस्तों नाम की जगह पर दोस्तों एक्स वाई जेड ये, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों तीसरा का दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन ही दोस्तों यही है, जो कुछ भी हम ये दोस्तों आप सबको बताए थे यही क्वेश्चन दोस्तों आप सबका हम करा दिए हैं, अभी अभी ये दोस्तों ऊपर गया। अब दोस्तों ये देखिएगा सांतरस दोस्तों, ये 12वां का क है दोस्तों, 12वां का दोस्तों क है ये दोस्तों, सांतरस पूछा था, ये आप सबको यहाँ बता दिए हैं। अब दोस्तों इसको आप सब देख लीजिएगा, इसमें दोस्तों क्या उदाहरण सहित पूछा था परिभाषा, तो इसमें दोस्तों दोनों दे दिए हैं। अब दोस्तों देखिएगा 11वां का, 11वां का दोस्तों घ नंबर यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये आप अभी आप सबको दोस्तों हम संशोधित करा के बताए हैं दोस्तों, ये हमारे हैंड रिटन है दोस्तों, आप सब इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और दोस्तों रूपक अलंकार, ये दोस्तों आप सबका अलंकार का है दोस्तों, 12वें का ख नंबर, ठीक है, ये दोस्तों आप सबको हम अभी दोस्तों बताए हैं, ठीक है। और दोस्तों यह चौपाई छंद है दोस्तों, यह दोस्तों 12वें का ग है, ठीक है, ये दोस्तों आप सबसे पूछा था, ये भी दोस्तों आप सबको हम यहाँ पे बता दिए हैं। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दोस्तों पहले का दोस्तों आंसर, दूसरे का आंसर, और दोस्तों यहाँ पे 10वें का आंसर, 11वें का आंसर, ये दोस्तों आप सबका यहाँ पे हम दे दिए हैं, ठीक है, इसको आप सब देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आप सबको बता दूं मेरे पास बच्चों, ये 8वें का ख नंबर दोस्तों यहाँ पर भी है दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा, दो क्वेश्चन करना था ना, ये दोस्तों आप सबको यहाँ पे बता दिए हैं। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये सब भी दोस्तों आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं मेरे पास बच्चों, ये सब भी आप सब देख लीजिएगा, ओके। अब दोस्तों देखिएगा ये दोस्तों, ये भी दोस्तों आप सबका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सब अच्छे से देख लीजिएगा मेरे पास बच्चों, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सबके रिपीटेड हैं, ये दोस्तों तीसरा नंबर, ये दोस्तों आप सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई हो दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको बहुत मजा आया होगा, और दोस्तों इस तरह का दोस्तों वीडियो, और दोस्तों नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम की दोस्तों जो पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए अपने एग्जाम रोड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत दोस्तों अभी इसी वक्त, और दोस्तों अपने मित्र में जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको बिल्कुल इस तरह का बेहतरीन वीडियो आप सबको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।